then subscribe to your channel Beautiful UFO और bell icon पर click करना मत भूलना क्योंकि इस पर click करने से आपको notifications आती हैं. Thank you. हे गाइस, जमाना चाहे कोई भी हो, लंबे काले घने व मुलायम बालों का फैशन कभी आउट नहीं होता. एक और जहां लंबे बालों की देखभाल किसी टास्क से कम नहीं, वहीं लंबे बाल पाना भी इतना आसान नहीं है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल कुदरती तौर पर लंबे घने होते हैं, लेकिन अगर आप उनमें से नहीं हैं तो फिक्र ना करें, क्योंकि आपके साथ टाइम टू टाइम मैं अक्सर रेमेडी शेयर करती रहती हूं आपके बालों को मजबूत, लंबा और घना बनाने के लिए. ऐसी ही एक रेमेडी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. अगर आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा. इस रेमेडी के लिए आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल हाफ कप. अगर आपको मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता या पसंद नहीं है तो आप अपना फेवरेट ऑयल ऐड कर सकती हैं. इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड 2 बड़े चम्मच. इसको डालने के बाद एक हल्का सा बॉईल यानी कि हल्का सा हीट अप होते ही तेल को आपने गैस बंद कर देना है और जब तक ठंडा ना हो जाए एक साइड रख दें. ठंडा होने के बाद इस ऑयल को आपने छान लेना है और जिस कंटेनर में आप स्टोर करके रखना चाहती हैं उसमें कर लें. जैसे कि आप सभी जानती हैं, मेथी दाना आपके बालों की रूट को कंडीशन करता है, आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और ग्रोथ करने में काफी हेल्प करता है. साथ ही साथ अगर बात करें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल की, तो वो घरों पर अवेलेबल तो होता ही है, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर आपके बालों में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करता है. इस ऑयल में आपने ऐड करना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल अक्सर अपने ऑयल में ऐड कर अप्लाई करने से बालों की ग्रोथ हमेशा ही अच्छी होती है. हमारा ऑयल स्टोर करके रखने के लिए रेडी है, बट इसमें कुछ नीम की पत्तियां जो कि फ्रेश हो वो डालना बिल्कुल ना भूलें. इस ऑयल को एक दिन एटलीस्ट बनाकर रखने के बाद अगले दिन से इस्तेमाल करना शुरू करें और हो सके तो बालों में लगाने से पहले थोड़ी देर पहले धूप में रखना बिल्कुल ना भूलें. ये ऑयल ना कि सिर्फ आपके बालों के लिए मेडिकेटेड ऑयल है, बल्कि आपके बालों में हो रही प्रॉब्लम जैसे बालों का झड़ना, बालों की ग्रोथ रुक जाना और अक्सर बालों में इचिंग की प्रॉब्लम रहना, ये सभी कुछ ठीक करती है. जैसे आप इस ऑयल को स्टोर करके रख सकते हो जब तक कि ये फिनिश ना हो जाए और बालों को धोने से पहले हमेशा 2 से 3 घंटे पहले मसाज करें और अपने बालों में नॉर्मल शैम्पू करें. आई होप गर्ल आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें अपडेट्स के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.